हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो इस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, एक ऑल साइन टाइमलेस जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है। सो जनरल तरीके से देखिए गाइस, एंड टाइमलेस बेसिस पर है। सो आज की इस एनर्जीज को जो मैं लेने वाली हूँ, आज की इस रीडिंग में चेक करेंगे कि आज पूरे दिन की क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आज पूरे दिन के लिए आपकी और आपके पर्सन की। सो गाइस, इन पर्सन के साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आज दिन भर की इनकी क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर, क्या कुछ ये पर्सन आज दिन भर में सोचने वाले हैं, फील करने वाले हैं, वही एनर्जीज को देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को गाइस। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय एंड रिसीव करें अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन, एंड पॉजिटिव होकर देखें हर रीडिंग को। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस आज की इस रीडिंग को। सो इन पर्सन के साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं। अगर एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं गाइस तो रीडिंग आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज आज पूरे दिन, ओके सो एग्जॉशन की एनर्जीज। सो आप में से कुछ लोग की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की मिली है। सो कुछ लोग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि आप किसी बात को लेकर इस दिन के स्टार्टिंग में ही टेंशन में नज़र आ रहे हो, गुस्से में नज़र आ रहे हो, टायर्ड थके हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जीज भी हो सकती हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हो, किसी बात के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर किसी केस में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा मन में कोई ऐसी फीलिंग्स आ रही है जो कि पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। सो सबसे पहले एग्जॉशन की एनर्जीज। सो किस बात का हो सकता है एग्जॉशन आपके मन में आज के दिन में? ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ में जिसको लेकर आप मुझे थोड़े से यहाँ परेशान नज़र आ रहे हो गाइस? ओके अवेयरनेस, ओके सो सक्सेस की एनर्जीज है मेरे पास में। सो सक्सेस की एनर्जीज है, अवेयरनेस की एनर्जीज है, मैच्योरिटी, ओके सो ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज। आप में से कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज मिली है, यानी कि आप कहीं आज के दिन में जो है ट्रैवल कर सकते हो, या फिर अगर आप आज के दिन में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो फिर मुझे यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज है। किसी चीज़ को आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मैच्योर होकर सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अपने रिलेशन से जुड़ी कोई ऐसी बात आप सोच रहे हो जिसमें काफ़ी हद तक भले ही आपको क्लियरिटी मिल रही हो ना मिल रही हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर वॉइस कुछ आज आपसे कहना चाह रही हूँ। सो अपने इनर वॉइस को आज के दिन में आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप समझ पा रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हो सकता है आज के दिन में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसको लेकर आपके मन में जो है मुझे एग्जॉशन की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप परेशान हो सकते हो बिना किसी बात के ही, जो है किसी बात को लेकर इरिटेटिंग एनर्जीज या परेशानी की एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, बट सक्सेस की एनर्जीज है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा मुझे आपके फेवर में नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं से कोई सक्सेस मिल सकती है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप ऐसा महसूस कर सकते हो लाइक एक अच्छी एनर्जीज आपके लिए जो है मुझे यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। किसी बात को लेकर मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आपकी फैमिली के साथ में जो है बहुत ज़्यादा एक हैप्पी टाइम जो है आज आप बिता सकते हो। सो ऐसी एनर्जीज मुझे आज के दिन के लिए मिल रही है आपके। मैं चेक कर लेती हूँ गाइज आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कुछ है। सो जिन किसी के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, जिन किसी का आपको इस वक्त ख्याल आ रहा है, जिन किसी का नाम इस वक्त आप अपने मन में सोच रहे हैं गाइज, उनकी एनर्जीज इस टाइम पर कैसी है आपके लिए चेक कर लेती हूँ। एंड गाइज पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर आ रहा है उसी पर व्हाट्सएप किया कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी अपने नंबर्स नहीं देती हूँ गाइस। सो सावधान रहे फ्रॉम एनी नंबर गिवन इन द कमेंट सेक्शन। सो कमेंट सेक्शन में किसी भी नंबर से जो आप सावधान रहें, उस पर कॉन्टैक्ट ना करें मुझसे पर्सनल प्रेडिक्शन लेने के लिए गाइस, जो कि पेड होती है, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही कॉन्टैक्ट करें। एंड आज के दिन के लिए पर्सनल प्रेडिक्शन पे ऑफर है, सो आप उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस टाइम पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज इस टाइम पर, ओके। सो सबसे पहले एनर्जीज मेरे पास में आपके पर्सन की मिल चुकी है, फ्यू मोर एनर्जीज, एंड मैं आपसे शेयर करूँगी कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर आपके पर्सन, आज की एनर्जीज आपके पर्सन की, ओके। ओके सो अगर मैं स्टार्टिंग की एनर्जीज देखूँ,
आज तो आपके जो पर्सन है, स्टार्टिंग की एनर्जीज में मुझे उनके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जीज मिल रही है, यानी कि किसी बात को लेकर शायद ये पर्सन आज के दिन में खुश हो रहे हैं या हैप्पी हो रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात है जिसको लेकर इनकी एनर्जीज मुझे एकदम नॉर्मल आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी जो एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पर इस डे के मिड की एनर्जीज, वो किसी बात की मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि लाइक आपके पर्सन किसी चीज़ में जो है अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने वाला है आपके पर्सन अपने आप को किसी तरह की उसी प्रॉब्लम में जो है महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी बात को लेकर जो है बिना वजह कोई टेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रीम की एनर्जीज यहाँ पर मेरे पास में है, जिसमें मुझे लग रहा है आप में से कई लोग के जो पर्सन है उन्होंने शायद आपके साथ में कोई ड्रीम देखा था, कोई सपना देखा था, या फिर आप दोनों ने साथ में मिलकर जो है कोई सपना देखा था अपने रिलेशन को लेकर, जिसमें शायद आप दोनों ने दूसरे का जो साथ निभाने का वादा किया था। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, उसको फुलफिल नहीं कर पाए पर्सन, कोई चीज़ आपके रिलेशन में जो है अधूरी रह गई है, कोई चीज़ आपके रिलेशन में इनकम्प्लीट रह गई है, और वो इनकम्प्लीटनेस, वो अधूरापन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आज के दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि आज आपके पर्सन जो है कुल मिलाकर इनकी जो एनर्जीज आ रही है आज के दिन में, अपने को बहुत ज़्यादा एक फंसी हुई एनर्जी से महसूस कर रहे हैं, लाइक द पर्सन इन दिस कार्ड जो ना ही तो इस तरफ की एनर्जीज में है ना ही दूसरी तरफ की एनर्जीज में है, यानी कि कहीं पर भी उसको चीज़ें जो है कम्प्लीटनेस नहीं दे रही हैं। हर तरफ से इन पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने मन में बर्डन ही बहुत ज़्यादा जो है महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये पर्सन आज के दिन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, और कोई जो है निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है आज के दिन में, जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट को भी सोचते हैं और फिर प्रेजेंट को भी सोचते हैं, और सोचते हैं कि फ्यूचर में ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर कर जो है सिचुएशन से निकल कर आपकी लाइफ में कमबैक हो जाएंगे, या फिर वापस से आपकी लाइफ में जो है आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। सो मेरे पास में जो सबसे पहले एनर्जीज आई हैं, क्यों हैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज, आपके पर्सन क्यों स्टक फील करने वाले हैं आज के दिन में, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं गाइस कि आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आपको बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बर्डन में महसूस कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ मैं। ओके सो द लवर्स की एनर्जी सबसे पहले गाइस मेरे पास में जो एनर्जीज आई हैं वो लवर्स की आई हैं, इनके आपके पर्सन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इंडिकेशन मुझे मिल रही है, आपकी से पर्सन जो है कुछ कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग को आप इस टाइम पर ये पर्सन ना कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इस वक्त हो सकता है कि आप लोग कोई लव रिलेशन में हो सकते हो, मैरिड रिलेशन में हो सकते हो, अनमैरिड रिलेशन में हो सकते हो, यानी कि जो भी रिलेशन है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पर्सन आपको लेकर लविंग एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके प्रति इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको अगर उन्होंने पूरा नहीं किया है तो इन चीज़ों को सोच सोच कर ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बट यूनिवर्स की ब्लेसिंग मुझे इस टाइम पर आपके रिलेशन में नज़र आ रही है, हैप्पीनेस यहाँ पर नज़र आ रही है, फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में जो है होंगे, रियूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है मुझे आप में से कई लोग, यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज भी मिल रही है। सो लवर की एनर्जीज है, यानी कि पूरी तरीके से आपसे जुड़ी किसी बात को बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है कन्फ्यूजन में महसूस कर रहे हैं, यानी कि या तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो ये अचानक से इनको पता चली और ये पर्सन आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। सो आज के दिन में आप में से कई लोग ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे एक बार बात करें, आपसे एक बार अपनी फीलिंग को शेयर करें, ऐसा ना हो कि आज का दिन जो है निकल जाए और ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को ना शेयर करें और आपसे अपनी बात को ना कहें। सो आप में से कई लोग के पर्सन आज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मुझे लग रहा है इवनिंग के टाइम पर, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है अलोन महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, पास्ट को मिस करेंगे। और फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है मेरे पास में, अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में रहकर अपनी फैमिली के साथ में है, या फिर कोई भी अदर पर्सन की लाइफ में है आपके अलावा, तो उसके साथ में ये पर्सन अब कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंजूसी वाली एनर्जीज मुझे आ रही है, माइसनेस की एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन के अब जो पेंटिकल्स है लाइक फोर ऑफ पेंटिकल्स, अपने ये पेंटिकल्स ये पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ शेयर करेंगे तो आप ही से करेंगे, वरना अब ये पर्सन अपने पेंटिकल्स को किसी के भी साथ शेयर जो है नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग किसी और से जो है ये पर्सन नहीं शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन को डर है इस बात का कि शायद
इनकी फीलिंग आपके अलावा कोई और पर्सन जो है स्टैम्प पर नहीं समझ सकता, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा आप क्लोज़ हैं इन पर्सन के, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग का रिलेशन कई सालों पुराना हो सकता है, काफ़ी टाइम का रिलेशन जो है मुझे आप पर नज़र आ रहा है। सो स्टैम्प पर मुझे इन पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं स्टैम्प पर इन पर्सन की। फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बार बार नज़र आ रहा है, या फिर हेल्थ इशू हो सकता है, कोई ऐसा इशू जिसमें इन पर्सन को पास्ट बहुत याद आता है, कि जब पास्ट में किसी प्रॉब्लम में होते थे, किसी इशू में होते थे, तो आप शायद तुरंत से जो है इनसे बात करते थे, कोशिश करते थे कि आपसे बात कर कर जो है ये पर्सन को अच्छा महसूस हो, ये पर्सन अपने आप से जो है अपने मन की जो बातें हैं आपसे शेयर करके थोड़ा सा जो है अच्छा महसूस करें। सो ऐसी एनर्जीज मुझे इस टाइम पर आपके पर्सन की यहाँ पर मिल रही है। एंड आपकी भी एनर्जीज हैं गाइस यहाँ पर, कि शायद आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा जो है 100% एफर्ट्स दिए हैं, पर शायद खुद से भी ज़्यादा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं इन पर्सन को दिए, इसीलिए यहाँ पर इन पर्सन की आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए थे, दूर भी चले गए थे, तो आज इस सिचुएशन में हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी को चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं वो, वरना फिर कोई और पर्सन यहाँ पर नहीं है। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग्स है गाइज रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।